पिछले मीटिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि A1 बराबर A2 बराबर 1, ये दोनों आपस बराबर है, वैल्यू 1 है, और आपका जो An है तो रिश्ता कैसा है, An क्यों निकल जाएगी, An-1 और An-2 के रिश्ता ऐसे इस रिलेशन से निकल जाएगा। और हमसे कह रहा है कि An+1 अपॉन में An, इनकी वैल्यू बताइए। N=1, 2, 3, 4। अगर इनकी ये पांच वैल्यू ले लें तो इसका जो आई का वैल्यू ये क्या होगा, जो सीक्वेंस बनेगा इनको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे, और कैसा बनेगा तो ये देखते हैं। ये सब निकाल लेते हैं, 5 रखेंगे तो A6 तक हमको जाना है, A1 A2 पता ही है, A3 निकाल लो पहले ही। A3 क्या आ जाएगा, तो An में रखो N=3, तो A3-1 और A3-2 दोनों तो 1 है, तो 1+1 2 आएगा, तो A3 2 आ गया। अच्छा A4 क्या है, 4 रखोगे तो A4-1 मतलब A3, A4-2 मतलब A2, A3 तो 2 अभी हमने निकाला है और A2 हमारा 1 मिल जाएगा, 3 बन जाएगा। ऐसे ही A5, A5 क्या आएगा आपका, A4 A3 है, A4 कितना है, 3 है, और A3 कितना है, 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, बस A5 से निकाल सकते हैं, अच्छा A6 तक जाएंगे ना यहाँ पे, तो A6 5 रखेंगे तो यहाँ N+1 A6 हो जाएगा, तो हमारा एक हो गया A6 बराबर A6-1 मतलब A5 और प्लस A4, तो A5+3 दैट इज 8 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट फिबोनाची सीक्वेंस, दिस इज व्हाट फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, ये देखो ये है आपका 1+1 2, फिर 2 में 1 जोड़ो पिछला, 2 1 3, ध्यान सुनना 2 1 3। ठीक है, ये आ गया अगला टर्म क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, अगला आ गया, अगला टर्म क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, अगला टर्म क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 करके निकालना ही आएगा। ठीक है भैया, इस तरह से फिबोनाची सीक्वेंस बनते हैं, और हमको निकालना क्या है इसकी वैल्यू, तो आओ एक बार एन को 1 ले लो, तो ये A2 अपॉन A1 बन जाएगा, मतलब आंसर 1 आएगा। N=2 ले लो, A3 अपॉन A2, A3 कितना है, 2 है, तो 2/1 आएगा। N=3 ले लो, ये 4/A3 बन जाएगा, और A4 हमारा 3 है, तो 3/A3 मतलब 2 है, 3/2 बन जाएगा। N=4 ले लो, तो ये A5/A4 बन जाएगा, A5 मतलब 5 हमने निकाला है, और A4 हमारा ये है 3/5/3 बन जाएगा। ठीक है, और N=5 ले लो, जबकि A6/A5, A6 8 है, 8/A5 कितना है, 5, 8/5 हो जाएगा। तो दी जा दो सीक्वेंस, दी जा दो सीक्वेंस, यही पाए हो बेटा आप लोग। अच्छा हाँ चलो सर, ये आगे हाँ बढ़ें, सर, बढ़िया। न हुआ हो तो आइएगा वापस ले आएंगे। कहाँ बेटा, सर वो सर जो स्टेटमेंट लिखे थे सर, A1=A2=1, ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, हाँ ये कंडीशंस हैं, मतलब ये दिया हुआ है और ये फंक्शन का इक्वेशन है, समझ लो कि कोई भी टर्म का रिश्ता ऐसा होगा, कोई भी टर्म का रिश्ता ऐसा होगा। हाँ, सर और इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन सर परमानेंट नहीं है। नहीं, हाँ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए दिस सीरीज, इन्होंने फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीक्वेंस कैसा था, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, 1 अगला क्या आएगा, 1 1 अगला क्या आएगा, 1+1 2 अगला क्या आएगा, 2+1 3 अगला क्या आएगा, 3 2 5 अगला क्या आएगा, 5 3 8 अगला क्या आएगा, 8 5 13, फिर 13 8
21, ठीक है, दिस इज व्हाट फिबोनाची सीक्वेंस, एफ एस, दिस इज व्हाट फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक हो गया, सवाल दे रहे हैं करिए। सवाल है कि टीएन है, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, टीएम मतलब एनथ टर्म है कोई, हाँ टीएम मतलब एनथ टर्म है। तो फाइंड टी सिक्स टी एट टी नाइन, इन तीनों वैल्यू बताइए कितनी होगी। टी सिक्स टी एट टी नाइन की वैल्यू क्या होगी बता नहीं है आपको। हाँ हो गया होगा आपका, यस सर, हाँ सर हो रहा है। टी सिक्स यस सर, हो 50 गया। आएगा। तो टी सिक्स आपका जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू टू, 90 थ्री इंटू सिक्स कितना आएगा, 72 44, नहीं यार 36 72 होगा ना, 90 36, सर, हाँ 90। 6 3 18 जोड़ने पे आएगा 90 90, बढ़िया, हाँ 90 आया। ठीक है ठीक है, और ये टी एट कितना आएगा यार, 152 टी एट का स्क्वायर, 152 152 बढ़िया, कनिष्ठ आंसर है 152। ठीक है, तो आप आएगा 152 डैड लिख दे रहे हैं आप लोग, कोई हिसाब कर रहे हैं। और टी नाइन क्या आएगा, 189। अच्छा तो नाइन जाए 81 और 3 × 189, चलिए ठीक है।